जो अकेली लड़कियां यहाँ आती हैं, लड़कों को टाइम देती हैं, टिकटॉक वीडियो बनाना, डांस करना, ये किसी भी धर्म स्थल के लिए मुनासिब नहीं है, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा। यहाँ आके इबादत करना चाहे, नमाज पढ़ना चाहे तो मस्जिद खुली है, प्लीज आए, मोस्ट वेलकम। राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, वहां अब लड़कियों की शर्तों के साथ एंट्री बैन कर दी गई है। जी हां, वहां तीनों एंट्री गेट्स पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है, जिसमें लिखा है जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है। मतलब लड़की या लड़कियों के साथ अगर कोई पुरुष या फिर अभिभावक नहीं पहुंचेगा तो लड़कियों को मस्जिद में एंट्री नहीं मिल पाएगी। माना जा रहा है कि मस्जिद परिसर में अश्लीलता को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। महिलाओं पे रोक नहीं लगाई गई है, जो अकेली लड़कियां यहाँ आती हैं, लड़कों को टाइम देती हैं, यहाँ आके गलत हरकतें होती हैं, वीडियोस बनाई जाती है, सिर्फ उस चीज को रोकने के लिए इस पे पाबंदी लगाई गई है। अगर आप अभी चारों तरफ देखें तो यहाँ महिलाएं मौजूद हैं, आप फैमिलीज के साथ आएं कोई पाबंदी नहीं है, मैरिड कपल आएं कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन किसी को टाइम दे के यहाँ आना, इसको मीटिंग पॉइंट बना लेना, पार्क समझ लेना, टिकटॉक वीडियो बनाना, डांस करना, ये किसी भी धर्म स्थल के लिए मुनासिब नहीं है, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो। किसी भी धर्म स्थल का प्रोटोकॉल करना बहुत जरूरी है। हमारा पाबंदी लगाने का यही मकसद है कि ये मस्जिद इबादत के लिए है और उसका इस्तेमाल सिर्फ इबादत के लिए किया जाए। कुछ खबरें इस तरीके से चल रही हैं कि इसको एक इस्लामिक और देश है जिसकी उसको देख के इस तरीके से किया जा रहा है, अगर मैं बात करूं इसके नाम में। नहीं, उस चीज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमने सिर्फ अकेली लड़कियों के आने पे पाबंदी लगाई है, जो यहाँ आके लड़कों को वक्त देती हैं, उनके साथ मुलाकातें करती हैं, गलत हरकतें करती हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं, टिकटॉक बनते हैं, डांस किया जाता है, इसलिए इस चीज पे पाबंदी लगाई गई है। अगर कोई यहाँ आके इबादत करना चाहे, नमाज पढ़ना चाहे तो मस्जिद खुली है, प्लीज आए, मोस्ट वेलकम। उस पर कोई किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मस्जिद का इस्तेमाल मस्जिद की तरह। हालांकि इसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आलोचना करते हुए एक ट्वीट भी किया है और इमाम को नोटिस जारी करने की बात कही। वहीं दूसरी ओर मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने यह साफ किया कि नमाज पढ़ने के लिए आने वाली महिलाओं को रोका नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायत आ रही थी कि लड़कियां अपने प्रेमी के साथ मस्जिद में आती हैं, इसलिए ऐसी लड़कियों की एंट्री बैन कर दी गई है। शाही इमाम ने इस बात का जिक्र किया कि अगर कोई महिला जामा मस्जिद आना चाहती है तो उसे परिवार या पति के साथ ही आना होगा, अगर नमाज पढ़ने की खातिर आती है तो उसे रोका नहीं जाएगा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस मामले को लेकर जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री रोके जाने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि वो जामा मस्जिद के इमाम को नोटिस भेजने जा रही हैं। मालीवाल ने ट्वीट किया, जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री रोकने का फैसला बिल्कुल गलत है। जितना हक एक पुरुष को इबादत का है, उतना ही एक महिला को भी है। मैं जामा मस्जिद के इमाम को नोटिस जारी कर रही हूं। इस तरह महिलाओं की एंट्री बैन करने का अधिकार किसी को नहीं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जनवरी 2020 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि इस्लाम ना तो मस्जिद में महिलाओं को आने से रोकता है, ना ही नमाज पढ़ने से। हालांकि उनके साथ में ये भी कहा गया कि इस्लाम में महिलाओं का जुमे की नमाज में शामिल होना जरूरी नहीं, बोर्ड मस्जिदों पर कोई नियम नहीं थोप सकता। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।